जय दोस्तों, चलिए हम लोग आज देखते हैं बायोलॉजी जी का एक चैप्टर। काफी दिन बाद वीडियो बना रहे हैं। ये बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन को हिंदी में कहते हैं ज्ञानेंद्री। सेंस ऑर्गन यानी हिंदी में कहेंगे तो इसको कहते हैं ज्ञानेंद्री। ज्ञानेंद्री क्या होता है कि वैसे अंग शरीर के जो हमें बाहरी वातावरण का ज्ञान कराते हैं, उन्हें हम ज्ञानेंद्री कहते हैं। बाहर क्या हो रहा है इसका पता चलने वाले अंगों को हम कहते हैं ज्ञानेंद्री। इनकी संख्या 5 होती है। कौन कौन से 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहला जो होता है वो स्किन होता है, त्वचा। दूसरे नंबर पे, इसमें नंबर की कोई सीक्वेंस नहीं होती, त्वचा होगा। ये बाहरी कोई स्पर्श कर रहा है, टेम्परेचर क्या है उसका ज्ञान करा देगा हमारा। त्वचा के बाद जीभ हो जाता है, नाक हो जाता है, आंख हो जाते हैं, कान, ये सब हमारी ज्ञानेंद्रियां है। त्वचा का टेम्परेचर बता देगा, सुन के हम लोग बता सकते हैं कि किसकी आवाज है, ये भी एक ज्ञान करा दिया, सेंस करा दिया कौन बोल रहा है। जीभ भी सेंस करा देता है कि खाना अच्छा है या खराब है। नाक भी सेंस करा देते हैं सब कि सुगंध है या दुर्गंध है। उसी प्रकार से आंख भी सेंस करा देते हैं। इन अंगों के इन पांचों समूह को हम लोग सेंस ऑर्गन या ज्ञानेंद्री कहते हैं। ज्ञानेंद्री की संख्या कितनी होती है, 5। 5 ज्ञानेंद्री होते हैं सभी। ये क्या कराते हैं सब, बाहरी वातावरण का ज्ञान। बाहरी वातावरण का ज्ञान इनकी संख्या हो गई 5। ये सेंस कराती है, ज्ञान कहिए या फिर सेंस कहिए। ये मशीनों में भी इस तरह की कुछ लगी होती है जिन्हें हम लोग कहते हैं सेंसर। जैसे लिफ्ट में देखिएगा, ऐसे ट्रेन की लिफ्ट या फिर मेट्रो में से बंद होगा, हाथ डाल दीजिएगा तो हट जाता है, वो भी एक तरह का सेंसर होता है। सेंसर कई तरह के होते हैं। कुछ टेम्परेचर के सेंसर होते हैं, जैसे एसी में लगा होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, वही होते हैं सेंसर। सेंस ऑर्गन हम लोग के भी शरीर में सेंसर हैं ये 5। अब एक एक को, पांचों को अलग अलग करके हम लोग पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग स्किन यानी त्वचा के बारे में। जब तक आप इसका एक त्वचा है तो स्किन समझ जाते हैं। स्किन के बारे में आगे कुछ, त्वचा यानी स्किन क्या होता है, इसका त्वचा का अध्ययन जो होता है उसको हम डर्मेटोलॉजी कहते हैं। इसका डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट कहलाता है। त्वचा संयोजी ऊतक का बना होता है। इसकी खासियत क्या होती है संयोजी ऊतक की, कि इसको जितना तरल में रखिएगा ये खराब नहीं होता, इसलिए हम लोग 2 घंटा नहा लेते हैं तो चमड़ा फूल जाता है। जबकि जब से पैदा हुए हैं जीव जो है वो फूला नहीं है, क्योंकि वो संयोजी ऊतक का बना होता है। देखिए त्वचा वगैरह जो होते हैं सब, ये भी एक प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। अंदर से त्वचा का आंतरिक भाग जो होता है वो संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसको हम लोग लेयर्स में हम लोग पढ़ेंगे। त्वचा का जो परत पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। त्वचा का आंतरिक भाग संयोजी ऊतक का बना होता है। आगे देखिए, त्वचा का जो होता है वो जीवन काल पूछता है कितने दिन होता है, तो औसतन 4 वीक यानी 28 दिन होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है एज पर, जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है त्वचा का जो जीवन काल होता है वो घटते जाता है, वो डिपेंड करेगा एज पर। त्वचा जो होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, ये शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ध्यान दीजिएगा, अगर कहेगा शरीर में सबसे बड़ा कौन सा अंग है, तो शरीर में सबसे बड़ा कहेगा तो वो लीवर हो जाएगा, और शरीर का सबसे बड़ा कहेगा तो वो शरीर का यानी बाहर से है तो सबसे बड़ा अंग हो जाता है हमारा त्वचा। ये एरिया, ये हम लोग इस पर देखते हैं। आप आगे पढ़ते हैं, त्वचा के कार्य क्या क्या होते हैं, वर्क क्या होता है। तो त्वचा के कई प्रकार के काम होते हैं, जो हम लोग मुख्य समझते हैं वो एक हो गया रक्षा का काम। रक्षा कौन करता है, वही तो कीटाणु से। कीटाणु जैसे हमारे शरीर में एंट्री मारते हैं तो त्वचा से लाइसोजाइम नाम का एंजाइम निकलता है, जो पसीना में भी होता है, तो ये लाइसोजाइम एंजाइम उन कीटाणुओं को मार देता है। दूसरा, यूवी रे जो पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य के प्रकाश से, वो हमारे शरीर में स्किन कैंसर भी उत्पन्न कर सकती हैं, उसको सोख लेने का काम करता है मेलानिन। मेलानिन हमारे त्वचा के बाहरी परत यानी इपिडर्मिस में पाया जाता है। तो ये मेलानिन जो होता है ये उस यूवी किरण को सोख लेता है, जिस वजह से उन्हें स्किन कैंसर नहीं होता। यही मेलानिन रंग प्रदान करता है। जिनमें मेलानिन ज्यादा पाया जाता है वो काले रंग के हो जाते हैं, जैसे हम लोग में मेलानिन ज्यादा है इसलिए काले हो गए, और जितना जो चमकौवा होता है सब भूरा भरा उस समय मेलानिन कम होता है, उन सबको कैंसर का खतरा हो सकता है। जितने गोरे गोरे हैं तो जो काले हैं उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनमें मेलानिन की मात्रा ज्यादा है। दूसरा, ये विटामिन डी निर्माण करते हैं, विटामिन डी के संश्लेषण में मदद करता है। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण कर देता है, जो कैल्शियम के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन डी। दूसरा, अब अगला काम क्या हो सकता है, टेम्परेचर को नियंत्रित करना। हमको पता है कि हम लोग संतापी जीव हैं। हम लोग जब सर्कुलेटरी सिस्टम समझेंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि संतापी जीव उसे कहते हैं जिसका शरीर का टेम्परेचर ठंडी गर्मी बरसात में चेंज नहीं होता है, वो एकदम फिक्स रहता है। हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फॉरेनहाइट रहता है। तो इसको नियंत्रित कर नियमित करने का काम हमारा त्वचा करता है।
उसमें भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि तापमान नियंत्रण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर बात करेंगे तो वो ब्लड का होता है। ब्लड सर्कुलेशन रहेगा तो टेम्परेचर बना रहेगा। और एक होता है थैलेमस जो शरीर के अंदर के टेम्परेचर को निर्धारित करता है। थैलेमस, हाइपोथैलेमस, ये सब ब्रेन में पड़ेगा। तो ये हो गया तापमान के निर्धारण। दूसरा हो गया आपका उत्सर्जन। एक चैप्टर है जस्ट इसके बाद पढ़ाएंगे, उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन का मतलब है फालतू पदार्थ को फेंक देना। तो ये पसीना के रूप में टेम्परेचर को भी उत्सर्जन कर देता है। जब हमारे शरीर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये पसीना बना के उसको बाहर कर देगा, और उसके साथ साथ नमक के साल्ट को भी बाहर कर देता है। आप गर्मी के दिन में अगर डार्क या निकाले रंग का कपड़ा पहनेंगे तो पसीना जब सूखेगा तो उस पर व्हाइट 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 धब्बा बन जाता है, वो साल्ट होता है। तो पसीना और नमक का ये उत्सर्जन कर देता है। अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, ये अवशोषण का काम करता है। जैसे जैसे हम लोग शरीर ठंड के दिन में तेल मालिश करते हैं, या छोटे बच्चों को जब तेल मालिश किया जाता है तो वो तेल को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तेल को मालिश करने पर एब्जॉर्ब कर लेता है। कभी हम लोग का जल जाता है कहीं, तो डॉक्टर कुछ क्रीम दे देता है लगाने के लिए। जैसे जलने का एक बर्नाल बहुत नॉर्मल फेमस क्रीम है, तो वो अगर हमारा त्वचा एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा तो फिर क्रीम लगाए फायदा क्या होता है। और दवा वगैरह भी एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे मेकअप वगैरह के लिए क्या क्या लगाया जाता है, क्रीम वगैरह, नो मास्क, ये वो सब को एब्जॉर्ब कर देता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ताकि वो अंदर पहुंच जाता है और वो दवा काम करती है। तो इसका एक और काम हो गया एब्जॉर्ब। आगे हम लोग देखते हैं ना लेयर्स ऑफ स्किन, त्वचा की परतें। तो एक्चुअली कहते हैं त्वचा की टोटल दो ही परत होती है, ऐसा नहीं है, मेनली दो परत होती है। देखिए कैसे, एक होती है इपिडर्मिस, अधिचर्म, एक होता है डर्मिस। लेकिन लेयर टोटल अगर इसकी बात करेंगे तो सात लेयर होता है। चलिए हम लोग समझते हैं। सबसे बाहरी परत को हम लोग कहते हैं इपिडर्मिस, इसे अधिचर्म कहते हैं। ये बाहरी परत होता है, इसमें ब्लड नहीं होता है, इसलिए कभी कभी हम लोग का त्वचा रगड़ा जाता है दीवार में, हल्का रगड़ा जाता है तो ब्लड नहीं आता है, हल्का सा बस ऊपर से एक परत हट जाती है, तो वो उसमें ज्यादा ब्लड नहीं आता है सर, ये क्योंकि इसमें ब्लड नहीं पाया जाता है। इसकी टोटल पांच परतें होती हैं, उसी में मेलानिन होता है। तो मेलानिन हमारे इपिडर्मिस में पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है डर्मिस में या इपिडर्मिस में। इपिडर्मिस की पांच परतें होती है जिनमें हम लोग शॉर्टकट में स्ट्रेटम कहते हैं। इसके कई भाग होते हैं, स्ट्रेटम, कॉर्निया, स्ट्रेटम लूसिडम, ऐसे करके पांच परतें होती है। तो बस आप स्ट्रेटम याद रखिएगा, बाकी के कंपटीशन के जितना ही रहता है। तो इसकी हो गई पांच परतें इपिडर्मिस की। अब बात करते हैं हम लोग डर्मिस। तो डर्मिस को हम लोग चर्म कहते हैं, ये आंतरिक भाग में होता है। डर्मिस जो होता है ये हो गया, ये जहाँ ये कहाँ रहता है, तो आंतरिक भाग में, ये बाहर नहीं होता है, ये त्वचा के आंतरिक भाग में होता है। जितनी भी ग्रंथियां पाई जाती है त्वचा में, जैसे श्वेत ग्रंथि, तैलीय ग्रंथि, ये ग्रंथि चैप्टर में हम लोग समझेंगे इसको। ये जो ग्रंथि होती है ये हम लोग डर्मिस में पाए जाते हैं। जो बाल होते हैं, ये हमारे शरीर पर जो भी बाल हो गए, तो ये बाल जो होते हैं ये इपिडर्मिस में ना पाकर ये डर्मिस में पाए जाते हैं, जो बाल होते हैं। रोम, जो त्वचा पे छोटे छोटे रोम होते हैं, जो कभी हम लोग कभी डर जाते हैं तो रोम खड़े हो जाते हैं, या ठंड लगता है तो रोम खड़े हो जाते हैं, तो ये भी रोम जो होता है, रोम का जो जड़ होता है वो डर्मिस में होता है। डर्मिस के दो लेयर होते हैं। डर्मिस का जो ऊपरी लेयर होता है उसे कहते हैं कैपिलरी, और डर्मिस का जो आंतरिक लेयर होता है उसे हम कहते हैं रेटिकुलम। अब ये डर्मिस जो होता है इसी का हम लोग औद्योगिक प्रयोग करते हैं। जैसे चमड़े के बैग होते हैं, चमड़े के वस्त्र होते हैं, चमड़े का बेल्ट होता है, पर्स होता है, ये चमड़ा का। तो ये जानवरों के जो चमड़े का बनाया जाता है, ये जानवरों के इपिडर्मिस का ना बनाकर जानवरों के डर्मिस का बनाया जाता है। अब कभी कभी ना चमड़े की मोटाई पूछ देता है, चमड़े की मोटाई कितनी होती है, तो देखिए चमड़े की मोटाई 0.5 mm से लेकर 2 mm तक होती है। आंख के पलकों की जो चमड़ी होती है ये डर्मिस, ये बहुत पतली होती है। तो ये 0.5 mm से लेकर ये 2 mm तक हो सकती है डर्मिस की मोटाई। अगर हम इसकी मोटाई कहेंगे तो ये डिफर कर सकता है। अब देखिए हम लोग चमड़े का भाग में, तो ये हमारे शरीर के सबसे ऊपर क्या मिलेगा, इपिडर्मिस मिलेगा। उस इपिडर्मिस के नीचे जाएंगे तो डर्मिस मिलेगा, और डर्मिस के नीचे जाएंगे तो फैट यानी वसा मिलेगा। अब बुढ़ापे में क्या होता है, इपिडर्मिस तो रहता ही है, डर्मिस भी रहता है, लेकिन इपिडर्मिस डर्मिस को जो नीचे से उठा के रखता वसा, बुढ़ापे में वो वसा खत्म हो जाता है। वसा यानी चर्बी, फैट की मात्रा कम हो जाती है, जिस वजह से त्वचा में झुर्रियां पड़ने। जब भी पूछेगा आपको वसा बुढ़ापे में झुर्रियां क्यों पड़ती हैं, तो वसा में कमी के कारण। सामान किसके बनाए जाते हैं, जो भी औद्योगिक सामान, तो डर्मिस के बनाए जाते हैं। डर्मिस में ब्लड होता है, बाल होते हैं, रोम होती हैं, ग्रंथियां होती हैं। अब मेलानिन तो होता है इपिडर्मिस का भाग होता है। मोटाई का सेंस में, मोटाई अगर देखते हैं तो मोटाई हम इसके लिख देंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं।
स्किन की मोटाई की अगर हम बात करेंगे, स्किन की मोटाई 0.5 से लेकर 2 एमएम तक होती है। पलकों की स्किन यानी आपके ऊपर की जो पलक है इसकी स्किन ये बहुत पतली होती है। तलवा हो गया, पैर का तलवा, और हथेली की स्किन मोटी होती है, ये मोटी होती है। अब कई लोग ना कहते हैं कि पेट का भी स्किन मोटा होता है, नहीं, पेट का स्किन एवरेज होता है, ना मोटा होता है ना पतला। पेट जो होता है वो वसा होता है, पेट में जो होता है ना वसा होता है, बहुत मोटा जो आदमी हो जाता है उसमें वसा की मात्रा होती है, ना कि उनको स्किन होती है। ये कंप्लीट हो गया स्किन का। तो सेंस ऑर्गन में एक था स्किन, अब स्किन के बाद हम लोग देख लेते हैं कान, जीभ, नाक और आंख। अब हम लोग देखते हैं लोग कान के बाद स्किन ऑर्गन। चलिए तो सेंस ऑर्गन में हम लोग सेकेंड सेंस ऑर्गन देखते हैं, तो हम लोग ईयर, कान। कान का काम जो होता है हम लोग साउंड को सुनता है। साउंड जो होता है कान पर 1/10 सेकंड तक यानी 0.1 सेकंड तक रहता है। अगर हम लोग एक से दूसरे आवाज में 0.1 सेकंड का ओवर गैप नहीं रहेगा ना, तो एक आवाज दूसरे आवाज में ओवरलैप कर जाए। ये फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, एकॉस्टिक जब पढ़ाएंगे तब इको जब आता है तब उसके बारे में बताएंगे। देखिए कान के भी दो भाग होते हैं, एक बाहरी कान होता है, एक आंतरिक कान होता है। ये जो बाहरी कान है इसे हम लोग पिन्ना या कर्णपल्लव कहते हैं, ये बाहरी भाग होता है। इसका काम क्या होता है, ये बैलेंस बनाने का काम आता है। तो अभी ना ये हम लोग के लिए एक अवशेषी अंग हो गया है, ये कार्टिलेज का बना होता है। इसमें हड्डी नहीं होती है, कार्टिलेज होती है, यानी मरने के बाद आदमी का जो कंकाल मिलता है तो कंकाल में आपको ये कर्णपल्लव नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कार्टिलेज का होता है। कार्टिलेज अभी स्केलेटन सिस्टम में पढ़ाएंगे, नरम हड्डी को कार्टिलेज कहते हैं। ये हो गया, ये अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग उस अंग को कहते हैं जो अभी शरीर में है लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा है। अभी इसका आप एक ही काम देखेंगे, या तो चश्मा लटकाने के काम में आ रहा है, आजकल कोरोना से बचने के लिए मास्क लोग फंसा रहे हैं, नहीं तो यहाँ पे बाली पहनते हैं। इसका एक मेन काम नहीं है शरीर के अंदर में, ये नहीं भी रहेगा चलेगा, लेकिन इसका मेन काम क्या था, तो ये बैलेंस करने का काम कर रहा था। अभी वर्तमान में ये अवशेषी अंग हो गया, वेस्टीरियर अंग है। बैलेंस कैसे, आप जानवरों को देखिएगा ना, जानवरों को अगर लगेगा कि कोई खतरा आने वाला है, जैसे कुत्ता को देखिएगा कोई इधर उधर कुछ खटपट करे तुरंत कान खड़ा कर देता है, गाय भैंस तुरंत कान खड़ा कर देता है, तो उन लोगों में ये अवशेषी अंग नहीं है। लेकिन हम लोगों में ये कार्टिलेज का ये पिन्ना जो है ये अवशेषी अंग, हम लोग इसको हिला डुला नहीं सकते। कुछ विद्यार्थी भी हिला डुला सकते हैं सर, उन लोगों में शायद पिछले जन्म का कुछ लक्षण छूट गया, हम लोग जानवर लोग हिला सकते हैं, हम लोग नहीं हिला सकते। अब ये कान का जो बनावट है ना इसको भी देखेंगे कई पार्ट में, तो उसके सात भाग होते हैं। ये आपके किसी काम लायक नहीं है कि सातों भाग आपको बताऊं, अब दो भाग आप जरूर याद रखें। ये सबसे ऊपरी ये जो घुमावदार भाग देख रहे हैं ये ऊपर का, इसे हम लोग कहते हैं हेलिक्स, ये घुमावदार भाग। और ये जो सबसे निचला भाग होता है उसे कहते हैं लेगुला। लेगुला का यूज होता है कि लड़कियां इसमें बाली पहनती है लेगुला। अब कई लोग तो हेलिक्स तक बाली पहन लेती है, यहाँ से यहाँ छिदवा के बाप पैसा लोग से भाई माँ बाप का क्या करना है, छिलवा दिया 250 रुपया लगता है छिलवाने, पति ना समझेगा उसमें पहनाने में सोना का उसका पूरा सैलरी खत्म हो जाएगा। तो ये तो लेबुला हो गया, तो नीचे का भाग हो गया लेबुला, ऊपर का भाग हो गया हेलिक्स। कार्टिलेज का बना होता है, अभी ये हम लोग में अवशेषी अंग है, ये जानवरों में ज्यादा काम करता है, बैलेंस बनाने का काम करता है। बैलेंस बनाने काम में पूंछ भी आता है, जानवरों की जो पूंछ होती है लेंगरी बोलते हैं जिसको, वो पूंछ भी बैलेंस बनाने का काम करता है। इसलिए देखिएगा जानवर जब भागेंगे सब तो कान खड़ा करेंगे सब, पूंछ एकदम सीधा करके भागेंगे सब। बंदर को देखिएगा जब पूंछे दीवार पे चढ़ेगा ना तो पूंछ को एकदम 90 डिग्री पे करके खड़ा करेंगे एकदम, ताकि उनका बैलेंस बना रहे। गाय भैंस भी खूंटा उखाड़ के भागेंगे सब, पूरा पूंछ ऊपर रखे रहते हैं, तो बैलेंस बनाने का काम करता है हमारा कर्ण, कर्ण पल्लव या पिन्ना। तो ये बाहरी भाग। अब हम समझते हैं आंतरिक भाग के, कान का आंतरिक भाग जो मेन सुनने का काम करता है। तो ये समझ गए, इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आंतरिक भाग को समझते हैं। देखिए अब हम समझते हैं कान की आंतरिक परत। हम लोग कान के बाहरी भाग को देख लिए थे, ये कर्ण पल्लव या पिन्ना हो गया। इसके अंदर एक नली जाती है जिसे हम लोग कहते हैं केनाल। तो वो नली चली गई केनाल, वो नली कहा जाती है ईयर ड्रम पर, कान के पर्दे पर। उसको ड्रम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका बाहरी भाग ढोल के वो सतह की तरह होता है ईयर ड्रम पर। जैसे आवाज ईयर ड्रम पर जाती है कैनाल को, ये कान के बाहरी भाग, ये हो गया हमारा कैनाल, ये हो गया हमारा कैनाल, कैनाल के पास लगा होता है ईयर ड्रम। तो ध्वनि जैसे साउंड इधर से प्रवेश करती है, साउंड यहाँ से, ये हो गया हमारा साउंड वॉइस, तो ये साउंड इधर से प्रवेश करता है तो इस ईयर ड्रम पर पहुंचता है। ईयर ड्रम पर कंपन उत्पन्न होता है, ये कंपन को उत्पन्न करता है। कभी कभी कान के पर्दे में छेद हो जाता है तो कंपन अच्छा नहीं उत्पन्न हो पाता है, इसलिए उतनी अच्छी आवाज नहीं सुनाई देती। तो ये ईयर ड्रम हो गया, इसी को हम कहते हैं कान का पर्दा। अब ईयर ड्रम के बाद आगे जाता है ऑसिकल्स पे। तो ऑसिकल्स क्या होते हैं,
ऑसिकल्स का काम होता है कि जो ध्वनि की आवाज आ रही है उसको तेज कर देना, आयाम को उसको बढ़ा देना। अब ये क्यों बढ़ाता है ये हम कोक्लिया में पढ़ेंगे। तो ये ऑसिकल्स जो होते हैं आयाम को बढ़ा देते हैं। ऑसिकल्स क्या होता है, एक्चुअली ऑसिकल्स तीन हड्डियों का एक समूह होता है जिसको हम शॉर्टकट में मिस करते हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप्स। मेलियस, इनकस, स्टेप्स, आप जानते हैं स्टेप्स सबसे छोटी कान की हड्डी होती है, इसी के पास स्टेपिडस नाम की सबसे छोटी मांसपेशी भी होती है। तो ये तीनों को हम क्या कहते हैं, ऑसिकल्स कहते हैं। ये काम क्या होता है, आयाम को बढ़ा देना। धीमी विस्फोरण किया ना तो वो तेज कर देता है। ऐसा क्यों तेज करता है, क्योंकि इसके बाद जब कैनाल से, यहाँ के कैनाल से ध्वनि आया और ये पड़ा ड्रम पर, ड्रम पे पड़ेगा, यहाँ पे तीन हड्डियां पाई जाती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेप, इन्हें को हम लोग क्या कहते हैं, ऑसिकल्स कहते हैं। ये हो गया ऑसिकल्स। अब इसके बाद जो ध्वनि जाएगा वो जाएगा कोक्लिया पर। अब ये कोक्लिया क्या होती है, कोक्लिया स्नेल के समान एक आकृति होती है, ऐसे स्नेल के समान ये राउंड में एक आकृति होती है, इसके अंदर लिक्विड भरा होता है। अब उस लिक्विड पे कंपन कराना होता है और यहीं से हमें ध्वनि सुनाई देती है। अब एक आप बात बताइए, जो ईयर ड्रम पर कंपन उत्पन्न हो रहा था वो तो हवा में कंपन था, ये कैनाल एकदम खाली होता है खोखला, कभी कभी पेन की नीड डाल के हम लोग खोदते रहते हैं, वैक्स यानी मोम जमा हो जाता है। ये ग्रंथि में पढ़ेंगे कि कौन सी ग्रंथियां मोम बना देती है, कौन सी ग्रंथियां आंसू बनाती है। तो यहाँ कंपन कराना ईजी था, धीमी साउंड भी कंपन करा सकती थी, लेकिन एक्चुअली ईयर ड्रम के बाद ऑसिकल्स में जाएगा तीनों हड्डियों को पार करके। ड्रम जब हिलेगा तो हड्डियां भी हिलेंगी और ये कोक्लिया को हिलाना रहेगा। अब कोक्लिया क्योंकि तरल पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, हवा में है, हम हवा में अपना हाथ हिलाइए आराम से कंपन कर ले, थोड़ा भी बल लगाइए कंपन कर ले। इसी हाथ को हम नदी के पानी में अगर डुबा दे तो उतना बल लगाएंगे तो कंपन धीमे होगा, तो हमको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। इसीलिए ड्रम पर जब कंपन होता है तो वह हवा में हो रहा है, लेकिन कोक्लिया पे जब कंपन होता है तो कोक्लिया तरल होता है, अतः इसमें ज्यादा बल की जरूरत होती है। तो वही ऑसिकल्स जो होते हैं सब ध्वनि के कंपन के आयाम को बढ़ा देते हैं सर। और ये कोक्लिया क्या करता है, इसे सिग्नल में बदल देता है, ध्वनि को सिग्नल में बदल देता है और उस सिग्नल को कार्पोरा पेंडिकल को भेज देता है। और ये कार्पोरा पेंडिकल क्या, ये हमारे ब्रेन का हिस्सा है, आपको ब्रेन में हम पढ़ा चुके हैं, कार्पोरा और पेंडिकल को भेज देता है और वहां पे हम लोग को सुनने का काम करता है। पूरा ब्रेन का एक सिस्टम होता है जो सुनने का काम करता है और वहां जाके हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो ये हो गया ध्वनि का आंतरिक भाग हो गया। तो दोनों कैसे, ध्वनि की आंतरिक भाग, एक सॉरी ध्वनि का आंतरिक नहीं, कान का आंतरिक भाग। तो बाह्य भाग भी देखें, अब आंतरिक भाग भी देखेंगे। अब एक और चीज देखिए, कान से एक नली आई होती है वो गर्दन तक अटैच होती है, कान की एक नली गर्दन तक अटैच होती है, इसीलिए कभी कभी अचानक बम विस्फोट होता है तो वहां से जो ध्वनि का कंपन आया है वो कण पल्लव पीना को पार करते हुए कैनाल में चला जाता है, कैनाल में एयर होता है और वो ड्रम पे बहुत तेजी से कंपन करने लगता है। और अगर वो ड्रम का कंपन बहुत तेजी से गया तो वो कंपन किसे दे देगा, ऑसिकल्स को दे देगा। अब ये कंपन को और बढ़ा देंगे जिस वजह से कोक्लिया खराब होने का खतरा हो जाता है, कान खराब हो सकते हैं। इसलिए इसकी एक नस गर्दन तक आई होती है, इसलिए कभी भी अचानक बम फूटेगा तो ये हमारा एक से रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि हमारी मुंह खुल जाती है, जैसे अचानक बम फूटेगा ना तो इसे मुंह खुल जाएगा, तो इधर से एक हवा जाएगी ऐसे और जो कान के रास्ते प्रवेश किया वो दोनों जाके और वहां जो कान के पर्दा के पास जो कंपन तेज था उसको न्यूट्रल कर देगा, इसलिए अचानक बम फूटता है आदमी का मुंह ऐसे खुल जाता है, तो वो कंपन को बैलेंस करने के लिए। तो ये कान का आंतरिक बनावट भी देखनी है, जो शुरू होगा हमारा कैनाल से, फिर जाएगा ड्रम पर, फिर ऑसिकल्स में, ऑसिकल्स अकेले नहीं होते हैं वो तीन हड्डियों के समूह होते हैं, उसके बाद जाएगा कोक्लिया पे, कोक्लिया तरल होता है। अब अगर हम बात करेंगे कि कान सुनाई कहाँ देता है तो कोक्लिया से सुनाई देता है, कंपन कहाँ होता है तो ईयर ड्रम पर होता है, कंपन यही होना जरूरी है, इस कंपन को बढ़ाने का काम ऑसिकल्स करता है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, ईयर ड्रम पर कंपन कम होने के दो रास्ते, या तो कैनाल में मोम भर जाए, इस कैनाल में क्या भर जाए, मोम भर जाए तो भी हो सकता है, और नहीं तो ईयर ड्रम में छेद हो सकते हैं सर। इसका मैं ग्राफिक्स डाल देंगे आपको वीडियो के साथ साथ, आप उसमें देखते रहिएगा, वहां भी हम आपको इस तरह से समझा देंगे। ये हो गया हमारा एक और सेंस ऑर्गन जो कान हो गया। अब हम समझते हैं लोग टंग के बारे में, जीभ के बारे में, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक और सेंस ऑर्गन हम समझते हैं लोग टंग। टंग मतलब होता है जीभ। जीभ में कहेगा तो ये किसका बना होता है, स्नायु यानी मांस टाइप का होता है, उसका बना होता है, ये संयोजी ऊतक का बना होता है जो भीगने से खराब नहीं होता है।
ये वॉइस को कंट्रोल करता है। जीभ जो होता है ना, ये देखिए दो चीजें आती है वॉइस से, वॉइस बॉक्स लैरिंग्स को कहते हैं जो गले में होता है। अगर हम लैरिंग फेस से मारेंगे तो हमारा वॉइस चेंज हो जाएगा, और जीभ को भी पकड़ लेना तो वॉइस चेंज हो जाएगा। हम जीभ को पकड़ के नहीं बोल सकते, तो जीभ और लैरिंग्स दोनों मिलकर वॉइस बनाते हैं। लेकिन क्या कहेगा वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं, तो ये हो गया हमारा लैरिंग्स को। लेकिन वॉइस का काम को मतलब उसको कंट्रोल कौन करता है, तो जीभ कंट्रोल करता है। जीभ जीभ के बारे में आया तो एक बात कहा जाता है कि कहते हैं लोग कि भरोसा सब पे कीजिए लेकिन सावधानी भी बरतिए, क्योंकि कभी कभी हमारा खुद का दांत भी जीभ को काट देता है। ये थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। और हम आपको भी समझाते हैं कि हमेशा अपने आचरण में शालीनता रखें, क्योंकि जब हम पैदा नहीं हुए थे तब भी हमारा जीभ, जैसे हम पैदा होते हैं तो हमारा जीभ रहता है और अंतिम सांस तक हमारा जीभ मौजूद रहता है, क्योंकि वो बहुत शालीन होता है, सॉफ्ट होता है। और हमारे पैदा होने के बाद निकलता है दांत और मरने से पहले टूट के खत्म हो जाता है, क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है। इसलिए अगर आपका आचरण बहुत तेजी बहुत झगड़ालू रहेंगे ना, बहुत दिन तक आपका अस्तित्व तो नहीं रहेगा, और शालीनता रहेंगे बहुत दिन तक, आप अपने आचरण में शालीनता जरूर रखें। देखते हैं हम लोग आगे इसके बारे में, जीभ के बारे में। तो जीभ का सबसे बड़ा काम क्या हो जाता है, तो जीभ का सबसे बड़ा काम क्या होता है, वो स्वाद को बताता है। वॉइस कंट्रोल करता है, दूसरा काम क्या होता है इसका, स्वाद, स्वाद कंट्रोल, स्वाद को भी यही बताता है। एक्चुअली स्वाद कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे बताता है स्वाद में, तो जीभ में ना 10,000 छोटे छोटे स्वाद कड़ी यानी टेस्ट बर्ड पाए जाते हैं। वो छोटे छोटे दाना की तरह होता है, आप अपने जीभ को देखिएगा ये कब ज्यादा दिखने लगता है, जब गर्म चाय पीजिएगा तो वो बर्ड जो होते हैं ये टेस्ट बर्ड का ये स्वाद कड़ी का ये जल जाते हैं और थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं। तो आदमी देखिएगा ना, गर्म चाय पी लेगा उसको एक हफ्ता तक टेस्ट पता नहीं चलेगा, ऐसे ऐसे करके घूमेगा। गर्म चाय पीने की जरूरत क्या, थोड़ा सा रुक जाइए, तो वही जो स्वाद कणिक होते हैं वो फूल जाते हैं, फिर काम नहीं करते, फिर धीरे धीरे वो सही होते हैं, तब सही लगता है, वो बताने लगते हैं स्वाद। अब ये जो टेस्ट बर्ड होते हैं स्वाद कणिकाएं, इनकी संख्या 10,000 होती है, और इनका जो साइज होता है ना, जैसे जैसे हम जीभ के पिछले भाग में जाएंगे साइज बड़ा होता जाएगा। देखिए हम यहाँ बता दिए हैं साइज को, तीर देके बता दिए कि जैसे जैसे पीछे जाएंगे साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब आप जीभ में भी खोल के देखिएगा आगे का बर्ड होता है, अब पीछे का जो बर्ड होता है टेस्ट बर्ड यानी स्वाद कड़ी का, वो बड़े होते हैं। जानवरों में तो ये बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं जीभ, तो ये हो गया मानव का जीभ। अब ये बर्ड जहां नहीं पाया जाएगा वहां तो टेस्ट पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि टेस्ट तो बता रहा था ये स्वाद कड़ी यानी टेस्ट बर्ड बता रहे। तो जीभ का जो पिछला भाग होता है वो नो टेस्ट जोन होता है, वो टेस्ट बताता ही नहीं है, क्योंकि वहां कोई किसी भी प्रकार का बर्ड पाया ही नहीं जाता है, टेस्ट कड़ी का नहीं पाया जाता, इसलिए वो टेस्ट को नहीं बताता। अब आप फिजिक्स में जब पढ़िएगा तो फिजिक्स में आपको बताएंगे कि गर्म खाना स्वादिष्ट क्यों लगता है, उसमें सरफेस टेंशन का काम होता है, वो बायोलॉजी का हिस्सा नहीं है। अब हम लोग टेस्ट जोन देख लेते हैं, चार टेस्ट जोन होते हैं। तो देखिए सबसे पश्च यानी पिछला, पश्च मुख होता है पिछला भाग, वो तीखा को बताता है, इंग्लिश में कहते हैं बिटर। अब इसी में शॉर्टकट याद रखिएगा तीखा, इसको लोग कड़वा भी बोलते हैं, तो ये तीखा तीखा ख हो गया, ख से जस्ट इसके बगल वाला हो गया खट्टा, तो खट्टा बताएगा इधर वाला, और उसके नीचे नमकीन, खट्टा और नमकीन हल्का मैच करते रहते हैं सब, बहुत ज्यादा काम तो नहीं होता। ये हो गया खट्टा, ये हो गया नमकीन, और सबसे आगे का भाग हो जाएगा मीठा। तो सबसे पीछे हो गया तीखा, तीखा में कौन सा शब्द आएगा, ख, तो उससे जस्ट सटा हुआ क्या आ जाएगा, खट्टा, तीखा खट्टा, और उसके बाद क्या आ जाएगा नमकीन, सबसे आगे क्या हो गया मीठा। अब इसमें फंसेंगे कहां पर, देखिए कहेगा कि अग्रभाग यानी एकदम आगे, तो अग्रभाग हो गया मीठा, कहेगा पश्च भाग, तो पश्च भाग हो गया तीखा। अब ये जो हो गया सब, ये साइड साइड वाले ये दोनों, ये तो पार्स यानी किनारे वाले भाग में। अब पार्स में भी देखिएगा तो दो तरह के पार्स, अगला पार्स और पिछला पार्स। इसलिए एग्जाम में पूछेगा कि अग्र मतलब अगला, पार्स मतलब साइड वाला, अगला साइड वाला तो नमकीन, पश्च मतलब पिछला और पार्स मतलब साइड वाला, तो पश्च पार्स कहेगा तो खट्टा, अग्र पास करेगा तो नमकीन, सीधा कहा अग्र तो मीठा, पश्च तो हो गया तीखा यानी कड़वा। तो ये हो गया हमारा जीभ, तो जीभ हो गया यहाँ पर। जीभ के बाद अगला सेंस ऑर्गन जो आते हैं उसको हम लोग समझ जाते हैं नाक, नाक के बाद आंख, पांच सेंस ऑर्गन होते हैं, पांचों को हम लोग समझ जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए जीभ के बारे में।
चौथा सेंस ऑर्गन हम लोग समझते हैं वो नोज के बारे में, नोज यानी नाक के बारे में। नाक एक चौथा सेंस ऑर्गन समझ लेते हैं। नाक का दो जगह काम होता है, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम समझेंगे कि नाक जो होता है ना श्वसन के लिए मात्र एक रास्ता देता है। नाक ये सांस लेने का एक बहुत बड़ा अंग है। नाक बंद कर देंगे मुंह से सांस ले लेगा, मुंह भी बंद कर देंगे गला में छेद करके पाइप लगा देंगे वहां से भी सांस चला जाएगा। ये केवल रास्ता देता है सांस लेने का, नाक ये सांस का बहुत बड़ा अंग है। फिर बड़ा होता है हमारा सांस का अंग होता है। तो ये हो गया नाक हो गया। तो श्वसन का एक मार्ग होता है, तो ये एक अलग बात हो गया। यहाँ देख सकते हैं श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग ये बहुत बड़ा काम नहीं है। श्वसन मार्ग श्वसन चैप्टर में हम लोग इसको देखेंगे। देखिए नाक में हम जो सांस लेते हैं तो इसमें भी कई चीजें होती हैं। देखिए नाक में पहले बाल होता है। बाल क्या करता है, जितने भी कण होते हैं धूल में छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे कोई छींकता तो उसके ड्रॉपलेट्स हो गए सब, या फिर जो धूल कण उड़ते हैं जिसे हम एरोसोल कहते हैं वो बाल में फंस जाते हैं। तो ये बाल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है नाक के अंदर का बाल। दूसरा नाक में जब अंदर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर तो वहां पे एक म्यूकस पाया जाता है, चिपचिपा पदार्थ। आप नाक में उंगली डाल के देखेंगे तो हमेशा वहां चिपचिपा पदार्थ होता है, भले आपको सर्दी हो या ना हो तो वो चिपचिपा पदार्थ म्यूकस होता है। कुछ धूल कण जो इन बालों को पार करके ऊपर पहुंच जाते हैं म्यूकस उसको चिपका लेता है, चिपका लेता है। आप लोग देखते होंगे नाक में चिपक जाएगा, सटे सटे आप लोग बकोट के निकाल देते होंगे उसको, नकती बोलते हैं उसको। तो म्यूकस निकल गया, बकोट के निकाल दिए, वो हो गया म्यूकस। तो ये तो हो गया श्वसन में ये सब काम करते हैं। लेकिन सेंस ऑर्गन के सेंस में ये तो आएगा कि ये सूंघने का काम करता है। तो ये गंध बताता है, सुगंध है या दुर्गंध है ये बताने का काम कौन करता है, नाक। अब ये कैसे करता है, तो नाक का ये जो म्यूकस वाला भाग है इसके ऊपरी भाग में क्या होता है, 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब यानी नस नस पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 1 करोड़ नस पाई जाती है। ये जिसमें जितना ज्यादा पाया जाएगा वो उतना ज्यादा सुगंध और दुर्गंध को भाप सकता है। जैसे देखते हुए कुत्ता, कुत्ता को 10,000 अलग अलग सुगंध में फर्क करने की उसके अंदर क्षमता होती है, जबकि मानव में इतनी लंबी क्षमता नहीं होती है। तो ये 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब यही सूंघने का काम करते हैं हमारे नाक में। सर्दी के समय क्या होता है, सर्दी जब होता है तो ये ऑल्फैक्टरी लोब के ऊपर वो म्यूकस जो सर्दी होता है जम जाता है, उसमें लेटा होता है जम जाएगा तो सूंघने में कैसे, तो ऑल्फैक्टरी लोब ढक जाता है इसलिए सुगंध नहीं आती है। और कुत्ता हो गया, बहुत से ऐसे जानवर होते हैं जिनमें सूंघने की क्षमता ज्यादा होती है, इसलिए डॉग स्क्वाड होते हैं पुलिस के पास, जो चोरों के कदमों के जो सुगंध होती है दुर्गंध उसको भाप के वो जा सकते हैं। तो ये नाक का काम हो गया। नाक का कोई खास और ये सूंघने के अलावा और कोई काम नहीं था, एक श्वसन मार्ग दे दिया, एक सूंघने का काम किया। अब अगला और लास्ट सेंस ऑर्गन आता है आंख। तो सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, वो 5 जो बाहरी चीजों का हमें ज्ञान करा देते हैं, सेंस करा देते हैं। मशीनों में भी सेंसर लगे होते हैं जो बाहरी चीज का ज्ञान करा देते हैं। एक हमारा हो गया त्वचा, शरीर का सबसे बड़ा हो गया लाइन से देखेंगे, हो गया त्वचा, कान हो गया, जीभ हो गया, नाक हो गया, और उसके बाद आ जाएगा आंख। आंख को समझ जाते हैं, आंख बहुत लंबा चैप्टर हो जाता है। तो ये सेंस ऑर्गन का पार्ट 1 हो गया, और सेंस ऑर्गन के पार्ट 2 में हम आपको आंख के बारे में बताते हैं। तब तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।